आपने ऐसे सीवी देखे होंगे जहाँ पर कुछ कॉमन स्ट्रेंथ्स मेंशन्ड होती हैं, उनमें से दो स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। वी लिसन टू मैनी पीपल हु क्लेम दैट दे आर ऑलवेज डिसिप्लिन्ड, इनफैक्ट वो दूसरों को भी बोलते हैं कि हमेशा अनुशासन में रहना चाहिए, बट दीज आर द ओनली पीपल हु आर ऑलवेज लेट फॉर वर्क, लेट फॉर लंच एंड अदर एक्टिविटीज टू। A person who is disciplined will never claim to be one because his actions will portray all the qualities about him. Through this video, we'll try to understand the link between discipline and punctuality. कुछ लोग कहते हैं कि हम तो ऑफिस हमेशा टाइम से पहुंचते हैं, अपना सारा काम टाइम से कंप्लीट करते हैं और जो भी एक्टिविटीज़ दी जाती है उन्हें भी प्रॉपरली कंप्लीट करते हैं, लेकिन जब भी वीक ऑफ या संडे आता है तो उस दिन पूरा दिन आराम करना हमारा हक होता है। जबकि ऐसा नहीं होता, जो लोग डिसिप्लिन्ड होते हैं वो अपने वीक ऑफ या संडे को भी प्रोडक्टिव बनाते हैं, वो उस दिन भी अपना एक प्रॉपर रूटीन, एक प्रॉपर डिसिप्लिन फॉलो करते हैं। ऐसे लोगों का सारा काम एक प्रॉपर टाइमलाइन के हिसाब से ही पूरा होता है, चाहे वो छुट्टी का दिन हो चाहे फिर वो वर्किंग डे हो, बिकॉज दे नेवर क्लेम दैट हमारा आज आराम का दिन है तो हम आज सिर्फ आराम ही करेंगे। नाउ सम ऑफ यू माइट थिंक एक ही तो संडे मिलता है उसमें भी आराम नहीं करें, आराम कीजिए, लेकिन कितना आराम करना है उस पर एक डेडलाइन ज़रूर लगा दें, बिकॉज पीपल हु आर डिसिप्लिन्ड, पीपल हु आर सक्सेसफुल, दे विल ऑलवेज मेंटेन अ प्रॉपर रूटीन इवन व्हेन दे आर ऑन अ वीक ऑफ। Try to showcase our punctuality when we think or when we feel that others are observing us, and if we are not punctual, we can get a sarcastic remark from them. Similarly, we cannot afford to get late for the official meeting because our team members are waiting for us and they can give us a different look if we are not on time for that particular meeting. So the question is, are you punctual even when nobody is watching you? Are you trying to maintain that consistency when nobody is around? Now, I can expect mixed answer for this question because अक्सर क्या होता है, जब हमें लोग देख रहे होते हैं हम तभी अपना डिसिप्लिन और पंक्चुअलिटी को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, वरना 12 PM और 2 PM में ज़्यादा फर्क हम नहीं समझते। It happens lot many times that we think of doing something. We even start with the actions, but we do not complete the task. Maybe we find it difficult, or we think this is not worthy, or we do not get the results as we expect, so we leave the task incomplete. But this puts up a big question mark on our punctuality and our discipline. Because if we start something, we need to finish it off if we want to become winners. चॉइस आपकी है, आप क्या बनना चाहते हैं, विनर या कुछ और। आप किस हद तक अपने काम को डिले कर सकते हैं या टाल सकते हैं, और ऐसा आप कितनी बार कर सकते हैं, दिस ऑल्सो शोज द लेवल ऑफ पंक्चुअलिटी एंड द लेवल ऑफ डिसिप्लिन यू होल्ड। सम पीपल आर वेरी रिच विद वर्ड्स, they easily build castle in the air, not only for themselves but for others too. They certainly give you cheerful moments by doing so, however they are not disciplined to complete whatever they say. So imagine if you are one of them, it would be very difficult, I'm sure. Ab ek important question, kya aap dusron ki respect karte hain? आप बोलेंगे हाँ, तो अगर आप रिस्पेक्ट करते हैं तो आपको उनके टाइम की भी कद्र करनी आनी चाहिए। कोई आपका वेट कर रहा है या किसी का टाइम आपकी वजह से वेस्ट हो रहा है तो प्लीज़ इस हैबिट को चेंज कर दीजिए, बिकॉज इफ़ यू वेस्ट एनीबडीज टाइम मीन्स यू आर ट्रूली डिसरिस्पेक्टिंग दैट पर्टिकुलर पर्सन, एंड दिस ऑल्सो गिव्स यू अ हिंड्रेंस इन योर पंक्चुअलिटी, इन योर डिसिप्लिन। Planning for your events well in advance and following it religiously is also discipline. People who are good with such kind of planning and forecasting become successful.
और मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी आप में से ये तो नहीं कहेगा कि मुझे सक्सेसफुल नहीं बनना। आई होप दीज पॉइंट्स वर यूजफुल फॉर यू एंड यू विल बी एबल टू इम्प्लीमेंट देम इफेक्टिवली। स्टे हैप्पी, पॉजिटिव एंड पीसफुल।